जनपद पौड़ी में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए अब पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदरलाल मोयाल ने अपनी कार्यालय खोल दिया है। कार्यालय के खुलने से अब यहां पर जनपद वासियों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण जनपद व शासन स्तर पर किया जाएगा। वहीं कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसी दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि यह बहुत अच्छा अनुभव है कि एक आईएएस अधिकारी अब जनहित में अपनी सेवाएं एक बार फिर से देने के लिए जनता के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि उन्हें जनपद व शासन स्तर पर समस्याओं का निस्तारण किस तरह से हो सकता है इसका अच्छा अनुभव है और यह अनुभव आने वाले समय में आम जन के काम आने वाला है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों के लिए उचित प्लेटफॉर्म बना है कि इस कार्यालय में लोग अपनी शिकायतों को, अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और हमारे पदाधिकारीगण उनकी शिकायतों, उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए उनके साथ यहाँ से जिला मुख्यालय, क्योंकि जिला मुख्यालय है तो बड़े जो अधिकारी यहाँ बैठते होंगे उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जिलाधिकारी के रूप में उत्तरकाशी टिहरी उधम सिंह नगर रहा हूँ और जिलाधिकारी के रूप में मैंने वहाँ के लोगों की सेवा की। पौड़ी जनपद मेरा गृह जनपद होने के कारण मेरी तैनाती यहाँ नहीं हो सकती थी जिलाधिकारी के रूप में। अगर यहाँ तैनाती होती तो मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकता था। मेरे मन में बहुत बड़ी टीस है कि मैं ऐसे पद पर रहते हुए और मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कुछ सेवा नहीं।